खाने की मरियम की यादगार। और भी कन्या में शमून कोड़ी के घर में जब वो खाने बैठा तो एक औरत आई जिसके पास बहुत कीमती अतर का डब्बा था, पर उसने डब्बा तोड़कर इसके सर पर अंगड़ी दिया। और कुछ ऐसे भी थे जो अपने अंदर गुस्से में थे और कहते थे कि ये अतर क्यों जाया किया गया, क्योंकि इसे 300 पैसे से ज्यादा में बेचकर गरीबों को दिया जाता। और वो इसके खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे। यसु ने कहा, छोड़ दो, तुम उसे क्यों तंग करते हो? इसने मेरे लिए अच्छा काम किया है, क्योंकि गरीब हमेशा आपके साथ है और आप जब चाहें उनके साथ भलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ नहीं हूँ। मैं वो किया जो वो कर सकती थी। वो मेरे जिस्म को तदफीन के लिए मसह करने के लिए आगे आई। तुमसे सच कहता हूँ कि सारी दुनिया में जहाँ कहीं भी इस खुशखबरी की मनादी की जाएगी, उसको भी इसके किए की याद दिलाने के लिए बुलाया जाएगा। 14:3-9। यीशु मसीह बचाता है। और वो एक बेटे को जन्म देगी और तो इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा। थी रात के 1:21, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि तो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना सुबह के 3:16, यीशु ने उससे कहा, राह सच्चाई और जिंदगी में हूँ, कोई भी बाप के पास नहीं आता मगर मेरे जरिए। यूहन्ना 14:6। किसी दूसरे में निजात है, क्योंकि आसमान के नीचे इंसानों के दरमियान कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे हमें निजात मिल जाए। आमाल सुबह के 4:12, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको वही कुछ दिया जो मुझे भी मिला, कि सहीफों के मुताबिक मसीह हमारे नाहों की ये मरा और ये कि उसे दफन किया गया था और वो सहीफों के मुताबिक तीसरे दिन दोबारा जी उठा था। करनथियों 15:3-4, जिसमें उसके खून के वसीला से हमें फिदिया उसके फजल की दौलत के मुताबिक गुनाहों की माफी मिली है। 3:1-7, आज सच्चाइयां हैं जिनको हमें पूरी तरह समझना चाहिए। 1, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि आपको उसके साथ जन्नत में अवधि जिंदगी मिले, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना सुबह के 3:16, वो चाहता है कि आप इसके साथ एक भरपूर और बामनी जिंदगी गुजारी। चोर चोरी करने, मारने और तबाह करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि उनको जिंदगी मिले और वो ज्यादा सच से हासिल करें। यूहन्ना दिन के 10:10। के बावजूद बहुत से लोग बामकसद जिंदगी का तजुर्बा नहीं करते और इस बात का यकीन नहीं रखते कि आया उनके पास अबदी जिंदगी है, क्योंकि तो इंसान फितरता गुनाहगार है, इसलिए वो खुदा से जुदा है। सबने गुनाह किया है, क्योंकि सबने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। उम्मीद सुबह के 3:23, क्योंकि पैसे की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। 1 तिमोथी सुबह के 6:10, गुनाह की उजरत मौत है, क्योंकि गुनाह की उजरत मौत है। रोमियों सुबह के 6:23, बाइबल मौत की दो कस्में बयान करती है, जिस्मानी मौत और जैसा कि मर्दों के लिए एक बार मरना मुकर्रर किया गया है लेकिन इसके बाद फैसला। सुबह के 9:27, रूहानी मौत या जहन्नम में खुदा से अवधि अलग की,
लेकिन डरने वालों और बेएतिकादों और मुकर्रमों और कातिलों और सनाकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और तमाम झूठों का हिस्सा इस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है, जो कि दूसरी मौत है। मकाशिफा 21:8। फिर इंसान अपने गुनाह की वजह से खुदा से जुदा हो जाए तो इस मसले का हल किया है। तो अक्सर सोचते हैं कि हल ये है मजहब, अच्छे काम और अच्छे इखलाक, लेकिन खुदा की तरफ से एक ही हल है। 3. यीशु मसीह जन्नत का वाहिद रास्ता है। ये खुदा का ऐलान है। यीशु ने उससे कहा, राह सच्चाई और जिंदगी नहीं, कोई भी बाप के पास नहीं आता मगर मेरे जरिए। यूहन्ना 14:6। ने हमारे गुनाहों की पूरी सजा अदा की, क्योंकि मसीह ने भी एक बार गुनाहों के लिए दुख उठाया रास्तेबाजों के लिए, ताकि वो हमें खुदा के पास ले जाए, जिस्मानी तौर पर मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन रूह से उमड़ा किया गया। 1 पत्रस सुबह के 3:18, जिसने उसके खून के वसीला से हमें फिदिया उसके फजल की दौलत के मुताबिक गुनाहों की माफी मिली है। अब सीन 1:7, इसके पास अवधि जिंदगी का वादा है। जो बेटे पर ईमान लाता है उसकी हमेशा की जिंदगी है, और जो बेटे पर यकीन नहीं करता वो जिंदगी नहीं देखेगा, लेकिन खुदा का गजब इस पर कायम रहता है। यूहन्ना सुबह के 4:24 बातें, क्योंकि गुनाह की उजरत मौत है, लेकिन खुदा का तोहफा हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जरिए हमेशा की जिंदगी है। सुबह के 6:23। और हमें निजात पाने के लिए यीशु मसीह पर यकीन करने की जरूरत है। हमारी निजात यीशु मसीह पर ईमान के जरिए खुदा के फजल से है, क्योंकि तुम ईमान के वसीला से फजल से निजात पाते हो, और ये आपकी तरफ से नहीं, ये खुदा का तोहफा है, कामों से नहीं, ऐसा ना हो कि कोई फख्र करे। सिंह 2:8-9, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। रोमियो 10:13। नहकार की दुआ। ईमान के साथ ये दुआ करें, खुदावंद यीशु, मुझसे मोहब्बत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं इकरार करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरे तमाम गुनाहों की अदायगी के लिए सलीब पर आपकी मौत, तरफीम और कयामत के लिए आपका शुक्रिया। मैं अपने रब और निजात दहिंदा के तौर पर आप पर भरोसा करता हूँ। आपकी अबदी जिंदगी का तोहफा कबूल करता हूँ और मैं अपनी जिंदगी आपके हवाले करता हूँ। तेरी मदद कर कि मैं तेरे तमाम काम की कमी करूं और तेरी नजर में खुश हूं। आमीन। अगर आपने यीशु मसीह पर भरोसा किया है तो आपके साथ दर्ज ज़ेर हुआ है। आपको खुदा के साथ अबदी जिंदगी है, और ये उसकी मर्जी है जिसने मुझे भेजा है कि हर एक जो बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन जिंदा करूंगा। यूहन्ना सुबह के 7:20 बाकी। आपके तमाम गुनाहों की अदायगी और माफी मिल गई है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, लेकिन ये आदमी हमेशा के लिए गुनाहों के लिए एक ही कुर्बानी चढ़ाने के बाद खुदा के दहने हाथ पर बैठ गया। बरानियों 10:12। अब खुदा की नजर में एक नई तकलीफ है, यह आपकी नई जिंदगी का आगाज है। बस अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई मखलूक है, पुरानी चीजें खत्म हो चुकी हैं, देखो सब चीजें नई हो गई हैं। 2 करिन्थियों सुबह के 5:17। आप खुदा के बच्चे बिन गए, लेकिन जितने लोग उसे कबूल करते हैं उनको उसने खुदा के बेटे बनने का इख्तियार दिया, यहाँ तक कि उनको भी जो उसके नाम पर ईमान रखते हैं। 1:12।
अच्छे काम हमारे लिए निजात का रास्ता नहीं है बल्कि हमारी निजात का सबूत या फल है, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं, जो मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए पैदा किए गए हैं, जिन्हें खुदा ने पहले ही मुकर्रर दिया था कि हम उन पर चलें। अब सीम रात के 2:10 खुदा आपको खुश रखे।